यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अदर गेम वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग जो गेम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है विलेज सिमुलेटर 3D। तो आज का ये वाला जो गेम है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वाले गेम में हम लोग एक विलेजर हैं, मतलब एक विलेज का जो लड़का होता है वो है, मतलब विलेज में रहने वाला एक लड़का। और इस गेम के अंदर हम लोगों को बहुत सारे मिशन कम्प्लीट करने पड़ेंगे, काफ़ी जगहों पे जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोगों को अपना एक घर खरीदना है। तो उसके लिए हमें ये छोटे छोटे लोगों के घरों में जाके काम करना है, जैसे करते हैं विलेज वाले लोग। और फिर हम लोगों को अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है। फिलहाल ये जो गाड़ी देख रहे हो इसको हम लोग नहीं चला सकते, ये वाली गाड़ी है, ये जो है ना, ये हमें दी गई है, इसको हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा जो है वो मस्त लो स्नोफॉल में यहाँ पे अपना गिटार बजा रहा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे हमें एक मिशन दिया गया है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये जो लकड़ियाँ इसको हम लोगों ने काटना है, तो सबसे पहले कुल्हाड़ी उठा लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना काम। चलो भाई काम पर लग जाओ। तो गाइस हम लोगों ने लकड़ियाँ काट दी हैं, तो चलो अब आगे चलते हैं, कुछ और जो मिशन है उनको कंप्लीट करते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे क्या करना है, फीड द पिग। तो ये जो पिग है इनको हमें फीड देना पड़ेगा, लेकिन फीड है कहाँ पे, यहाँ पे एक बकेट है वो भी खाली है, और ये जो स्ट्रे वगैरह है ये भी खाली है। फीड ये रहा शायद, पोटैटो इनको देना है मुझे ऐसे ही लगता है, इसको दे देते हैं। वेरी गुड, ये इसने खा लिया। तो हमें 7 पिग जो हैं, 7 पिगों को ये पोटैटो वगैरह खिलाने पड़ेंगे। तो एक को तो दे दिया, अब इसको दे देते हैं, हो गए 2x7। अब तीसरा पोटैटो उठाते हैं। भाई देखो कितने बड़े बड़े आलू हैं यार, इतने बड़े आलू मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, इसको भी खिला दिया। अब एक और आलू लेते हैं, कितने हो गए, 3 हो गए ना, अब खिलाते हैं इसको। ले भाई खा ले ऐश कर, यहाँ से खुद ही उठा के खा लेता यार, मुझे क्यों लगाया है, मुझे तो अपना काम करना है और पैसे कमाने हैं, उसके बाद मुझे अपना घर खरीदना है कुछ भी करके। तो ये एक और, अब कौन सा बच गया, ये दोनों बच गए शायद, हाँ एक ये है। और अबे हटना यार, मुझे आलू उठाने दे यार यहाँ से, ये बोरी में से आलू उठा के इन लोगों को खिलाने हैं, तब भी हम लोगों को कुछ पैसे मिल पाएंगे। तो हम लोगों को पैसे मिल चुके हैं, तो 792 रुपये हमारे पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक देख सकते हो ये झाड़ू वगैरह है, हैर ये वाली जॉब हमें नहीं करनी। और यहाँ के लोग देखो, रुको रुको, ये लड़की कितनी प्यारी है, अरे स्माइल दे रही है यार, पट्टी जाएगी क्या। तो यहाँ पे गैरेज है, यहाँ हम लोगों को अपनी गाड़ी लाने पड़ेगी तब। तो क्या इतने आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो जगह है, यहाँ पे हम लोगों को बनाना है अपना घर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं हमें घर कितने में मिलने वाला है। तो ये वाला जो घर है बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऊपर से चिमनी है और धुआं निकल रहा है, और सामने भी बहुत बड़ी जगह है गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए। तो यहाँ पर शायद अंदर आग जला रखी है किसी ने, बहुत ही प्यारा घर है। इसके लिए हमें पे करने होंगे 5000 रुपये, लेकिन हमारे पास तो अभी 700 रुपये हैं गाइस। तो हम लोगों को और भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा दिन रात। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बर्फ़ का मौसम हो रखा है, कोई बात नहीं, अभी बर्फ़ पड़ी है। यहाँ पे एक आंटी लगी हुई है, क्या कर रही है भाई, ये क्या कर रही है, अच्छा ये निकाल रही है, ये क्या बोलते हैं इसको, कैबेज, कैबेज। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो मिशन है इसमें हम लोगों को ये वाले जो कैबेज है ना, ये उठा के इस वाले पॉकेट के अंदर डालने हैं, तभी हम लोगों को पैसे मिलेंगे। तो हमें कितने 8 डालने पड़ेंगे, हो गए ये 2। जल्दी जल्दी मैं ये वाला काम ख़त्म कर लेता हूँ, फिर दूसरा काम मिलेगा। तो गाइस हो गई ये 3, अरे ये डाल क्यों नहीं रहा, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही डालना पड़ेगा, कितने हो गए 3 और 8, हम लोगों को पूरे 8 डालने हैं इसमें, तो हो गए 4। ये आंटी वाले के आंटी के सामने जो है ना यही उठा लेते हैं, पता नहीं ये गुस्सा ना हो जाए। अरे 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 एक बाहर गिर गया, कोई बात नहीं, 5 हो गए, हमें बस वहाँ पर रखने हैं, चाहे बाहर गिरे चाहे अंदर गिरे, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो गए कितने 6, अब 2 बाकी हैं गाइस, 2 उठाते हैं और अपने पैसे लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे हम लोग दूसरे काम के लिए। तो हो गए 1 ही बचा है, तो ये वाला उठा लेते हैं कैबेज, ये उठाया यहाँ पे पॉकेट में डाल दिया, हो गया हमें मतलब पैसे मिल चुके हैं, 800 हो चुके हैं हमारे पास। तो अभी चलते हैं अपने दूसरे मिशन के लिए। तो हम लोग इस साइड से आए थे, इस साइड से अब इधर जा रहे हैं, हमें दूसरे गांव में भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, नीड 5 लेवल के लिए है सोसाइटी, अच्छा मतलब अपनी ये जो हमारी सोसाइटी है ना, हमारी जो बिरादरी है, इसको हमें 5 लेवल का करना है। तो गाइस गेम में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सब क्या है भाई, ये मैं क्या उठा रहा हूँ, 84 हो चुके मेरे पास गाइस, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। और यहाँ पे एक प्यारा सा ट्रक खड़ा है,
इसको हम लोग नहीं चला सकते, इसके लिए हमें मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंटियाँ वगैरह हैं ये कुछ बेच रही हैं, ये भुट्टे बेच रही हैं और गाजर बेच रही है, ये मछलियाँ बेच रही है, क्या हम ले सकते हैं? तो गाइस हम ये ले सकते हैं, पर हमें सबसे पहले अपना घर बनाना है, उसके बाद हम लोग आके शॉपिंग करेंगे। तो ये वाला रास्ता देख रहे हो, ये जाता है दूसरे विलेज में। तो दूसरे विलेज में हम लोग अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो संता पाल जी, हेलो। ये देखो क्रिसमस ट्री जो है इन्होंने कितना अच्छे से सजा के रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। इसके लिए वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये क्या बोल रहा है, चलिए अभी ये डांस क्यों कर रहा है? तो हमें यहाँ पे व्हील घुमाना पड़ेगा स्पिन करने के लिए हमारे पास। अच्छा, मैं समझ गया, वो जो हमें वो गोल गोल से मिल रहे थे ना ये वाले, ये 100 करने तभी हमें यहाँ पे चांस मिलेगा स्पिन करने का, 25 हो गए। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, 100 करते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके स्पिन करेंगे। एक तो मेरा ये जो प्लेयर है ना गाइस ये बहुत ही धीरे चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर बहुत सारे हो गया कम्प्लीट, हम लोग 100 कर लेंगे। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 और आगे और बहुत सारे हम लोगों को 7 और करने हैं, उसके बाद हम ये क्या पड़ा है भाई, ये किसी मुर्गी का अंडा है बे, ये मैं किसी को मार सकता हूँ क्या? इस पे ट्राई करते हैं। अरे 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 ये चाचा तो गया, अरे ये लुढ़क गया गाइस, मैंने मजाक में मार दिया, कहीं ये खड़ा हो गया मुझे पीट ना दे, इसलिए हमें यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। तो हो गया 95, हमें बस 5 और लाने हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ पर स्पिन करेंगे। तो इधर ही गांव में से मिल जाएंगे यार, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये कितने हो गए, 96, और यहाँ पे किसी का मस्त एक्सीडेंट हो रखा है। देखो बंदा गाड़ी से निकल के बाहर आके सीधा खंबे के सामने, खंबे के साथ ये गाड़ी जो है ये भिड़ चुकी है आके। तो यहाँ पे एक चिकन है, इसको हम लोग उठा सकते हैं क्या? बहुत सारे चिकन गाँव में घूम रहे हैं, चलो ये चिकन जो है इसको मारते हैं। ये ले भाई, अरे ये भी लुढ़क गया। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये मैडम पता नहीं कहाँ जा रही है। तो हमारे पास 100 हो चुके हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना वो वाला काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये कार भी जीत सकते हैं गाइस, ये देखिए ये इस कार को गिफ्ट बना के रखा हुआ है, जो यहाँ से जीतेगा उसको ये कार मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे देख सकते हो ना, अगर ये वाला आ गया ना तो हमें ये कार मिल जाएगी। तो चलिए ट्राई करते हैं, कैसे करना है ये। ओके क्या आएगा, अरे 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 हद है यार, 300 रुपये मिले, बट कोई बात नहीं, हमारे पास 1100 हो चुके हैं। तो चलो गाइस सबसे पहले मैं ये वाले जो बॉल है ना इनको कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके बहुत सारे स्पिन मारता हूँ, उससे हमें क्या होगा कि बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर खरीदेंगे। तो हम चल के तो इनको कलेक्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे सीधे अपनी गाड़ी में और गाड़ी में जाके इनको जल्दी जल्दी से कलेक्ट करके लाएँगे। कम से कम 500-600 तो हो जाएंगे। इस बंदे को मैंने मुर्गी मारी थी, अभी तक बेहोश पड़ा है, कहीं उठ के खड़ा होकर हमें ही ना पेल दे, ये क्या कहना है। सबसे पहले यहाँ जो लकड़ियाँ हैं ना ख़त्म हो गई थी, तो इन लकड़ियों को काट देते हैं थोड़ा और, ताकि ये बेचारे चूल्हा जला के अपना खाना वाना पका सकें। तो हो गया कंप्लीट, बस ज़्यादा काम नहीं करना है, तेरा फैट ही ख़राब हो जाएगा। तो चलो गाड़ी लेके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और वो मुझे आगे कहीं पे दिखे थे यार वो बॉल बहुत सारे, किसी चिकन को नहीं मारना है क्योंकि बाद में ये वाले चिकन हम लोग दूसरे गाँव में ले जाके बेचेंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ इस साइड में थे शायद वो बहुत सारे, हाँ गए यहाँ पे लाइन से है। तो हम लोग इनको फटाफट करते हैं कलेक्ट। आ जो कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए और आगे और भी बहुत सारे हैं। चलो इन सबको हम लोग करते हैं कलेक्ट और वहाँ पे व्हील पे जाके हम लोग कमाते हैं बहुत सारा पैसा। तो गाइस मैं ये सारे बॉल कर रहा था कलेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, मेरी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट और यहाँ पे आगे बर्फ़ में फंस गई। यार ये देखो गाड़ी का क्या हाल हो रखा है, ये जो टायर है ये पूरा गाड़ी ये टायर बर्फ़ के अंदर घुस चुका है। तो चलो गाइस ऐसे ही पैदल चल के हम लोगों को ये सारे बॉल कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग बहुत सारा पैसा कमा के अपने लिए घर खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, 57 हो चुके हैं मेरे पास फाइनली, और अभी बस कुछ ही और बाकी हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं, उसके बाद हम लोग जाके सीधा अपने वो जो व्हील है वहाँ पे हम 10,000, 20,000 भी जी सकते हैं। वैसे हम लोगों को 5,000 की ज़रूरत है अपना जो घर है उसको ख़रीदने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे घर में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या खाने का सिस्टम रहेगा, क्या पकाने का, सोने वोने का सिस्टम क्या रहेगा। तो यहाँ पर मस्त नीचे ये जो है ना ये कोहरा जम चुका है यहाँ पर, तो इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं, अगर ये टूट गया तो हम लोग डूब के मर जाएंगे सीधे से, और यहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी नहीं है।
जल्दी से इन सब जो बॉल हैं इन सबको कलेक्ट करते हैं, और 87 हो चुके हैं फिलहाल। 100 करके एक स्पिन मारेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं। हमारे पास फ़िलहाल 1100 हो चुके हैं हमारे पास फ़िलहाल, लेकिन हमें 5000 की ज़रूरत है। अभी कितने हो गए, 100 हो गए। चलो गाइस अभी चलते हैं सीधे वापस अपने गांव में, और ये जो है ये जो इनको बाल जो है इन सब इनको ले जाके हम लोग करते हैं यूज़। और वो जगह कहाँ पे थी यार, मैं बोल तो नहीं गया कहीं, इधर ही इधर ही आसपास में है। यहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं यार, इतनी सर्दी है, तुम लोगों के कपड़े तो देखो पहले, ये देखो हाफ जर्सी पहन के जा रहे हैं यार सब लोग। ये क्या बेच रही है आंटी जी? अच्छा जी वही वाली आंटी हैं यार, छोड़ो जब घर खरीद लेंगे ना तो उसके बाद हम लोग ये जो है ये सब खरीद लेंगे। ये क्या है यहाँ पे, हम लोगों को कुछ बजाना पड़ेगा। अरे अरे एक्सरसाइज करनी है, चलो गाइस एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे और अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। अरे कुछ इस तरह से हूँ, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे कॉपी कर रहे हैं वो जो आगे लोग हैं ना, 4 लोग, वो मुझे कॉपी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करो भाई सब, अब ऐसे करो, इनको प्रैक्टिस करवानी है मुझे, मतलब यही मेरी जो है जॉब है यहाँ की। हो गए हो गए हो गए, चलो अब आप खुद कर लो, ऐसे ही लगे रहो दिन भर। तो गाइस यार वो क्रिसमस ट्री कहाँ पे चला गया पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, इधर ही तो था कहीं पे। ये सब क्या है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो मस्त स्नोमैन बना रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अरे इसके नाक पे गाजर लगा दी है यार। हद है इन लोगों की भी। ये भाई सब क्या बोल रहे हैं, इनका भी कोई मतलब काम वाम करना है क्या? भाई साहब अगर काम करना है तो बता दीजिए कहाँ है, हम आ जाएंगे आपका काम करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ से और बहुत सारे जी जो हैं इन सबको उठा के लेके जाते हैं, क्या पता बाद में काम आ जाएं, वैसे काम तो आने ही हैं ये। तो गाइस आगे बहुत सारे हैं, वैसे मैं उधर नहीं जाने वाला, अभी मुझे जाना है यहाँ से वापस अपना जो था क्रिसमस ट्री उसके पास चले जाना है, और वहाँ पर जाके हम लोग स्पिन करेंगे और कमाएँगे अपने बहुत सारे पैसे। ये मुझे चुंबक लेना चाहिए था गाइस। ये सब क्या है, यहाँ पे क्या करना है? अरे यहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ हैं, अगर इन्होंने मुझे काट लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करना है, कलेक्ट हनी, तो मुझे हनी कलेक्ट करना है क्या? उसके लिए मुझे कोई बकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि, अरे ये खुलेगा क्या? अरे इस साइड से खुलते हैं, ये जो ड्रॉअर हैं ये नहीं खुल रहे, बट इसके लिए मुझे मेरे पास कोई बकेट होनी चाहिए जिसके अंदर मैं ये होनी है ना उसको कलेक्ट कर पाऊँ और बाद में जाके उसको बेच सकूँ। कलेक्ट है नहीं यहाँ बता रहा है, पर मेरे पास कोई बकेट ही नहीं है, तो बकेट मुझे कहीं से लेके आनी पड़ेगी। इसके सर पे लगा दिया बकेट किसी ने, इसको हम लोग नहीं उतार सकते, और इधर भी कोई बकेट है नहीं। अरे ये क्या है, इसको भी नहीं उठा सकते। अरे ये कुर्सी है ना, रॉकिंग चेयर, वेरी गुड। हम लोग मस्त आराम कर रहे हैं, गटप गटप। ये किसी और का घर है, अगर उसने देख लिया तो बहुत पिटाई हो जाएगी फालतू में, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे घर देख सकते हो आप लोग, हमारा जो विलेज है धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और लोगों को पता नहीं क्या यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कहीं पे डीजे चल रहा है गाइस, मुझे भी डांस करना है। वेल्डिंग मशीन, तो हमें वेल्डिंग करनी है क्या कहीं पे? अब उठाएं, अरे ये उठ क्यों नहीं रही है बे, ये हो थोड़ा है, रहने दीजिए। ये डांस कहाँ पे चल रहा है, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे हम अंदर क्यों हैं? यहाँ पे मस्त किसी ने ऑमलेट निकाल के रखा हुआ है यार, हम नहीं खाएंगे इसको। और ये क्या है, ये कोई हथौड़ा है क्या, थोर का हथौड़ा है क्या? तो गाइस मुझे वो डांस वाले घर में जाना पड़ेगा, वहाँ पे लोगों को जाके डांस करवाएंगे। और अच्छा ये बाहर ही डांस कर रहे हैं यार, ये क्या है? तो गाइस मैं खो गया था बहुत देर तक ढूंढने के बाद, मुझे वो जगह मिल चुकी है, वो जो अपना वो जो था ना क्या बोलते हैं उसको यार, क्रिसमस ट्री, उसके पास पहुँच चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपना जो व्हील है उसको घुमाते हैं, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। हम लोग चलो इसको घुमाते हैं, स्पिन 100, देखते हैं क्या जीतते हैं। अरे हद है यार, 10 रुपये ही जीते यार, कोई बात नहीं। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से, आप कोई और काम कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब गांव में हम लोगों को मजदूरी करनी है और क्या। ये बास्केट है,
ये तो ये मिशन में नहीं करने वाला, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार प्लीज़, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलो गाइज मिलते हैं, टेक केयर।